फ्रेंड्स, उरोशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कॉर्न्स ढोकला की रेसिपी। और ये इंस्टेंट बनने वाले कॉर्न्स ढोकला होंगे, क्योंकि इसमें हम दाल चावल भिगोने की और वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने लिया है 1.5 कप सूजी, ये इस तरह से मेजरिंग कप से मैंने 1.5 कप सूजी ली है। और अगर आपके पास इस तरह से मेजरिंग कप ना हो तो इस तरह से 1 कटोरी 1.5 कटोरी आपको सूजी लेनी है। इस मैप की 1.5 कटोरी लेनी होगी और इसी मैप का मैंने मैप लिया है 1.5 कटोरी का। और कॉर्न्स लिए हैं, 1 बाउल कॉर्न्स लिए हैं जिसको हमें दरदरा पीसना होगा। और ये थोड़े से 2 टेबलस्पून जितने कॉर्न्स हम डायरेक्टली डालेंगे। अदर इंग्रेडिएंट्स में हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1.5 चम्मच जितना मैंने अदरक मिर्च का पेस्ट लिया है। अगर आपके पास पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो जब आप ये कॉर्न्स को दरदरा पीसोगे तब 2 चिली और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का डाल सकते हो इसमें, ताकि ये अच्छी तरह से पीस के रेडी हो जाए। और इसके साथ साथ ही आप अगर लहसुन भी पसंद करते हो तो 3 से 4 कली लहसुन की डाल सकते हो। इसके साथ साथ हमें चाहिए नमक और दही। तो सबसे पहले मैंने 1 बाउल ले लिया है जिसमें मैं ये 1.5 कप सूजी ले रही हूँ। अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना हो तो 1 कप सूजी भी लेके आप बना सकते हो। तो अब मैं डालूंगी दही। दही ज्यादा खट्टा नहीं और ज्यादा इस तरह से खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम खटाई का होना चाहिए। अब हम अदरक मिर्च का पेस्ट डालेंगे, ये भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। ये मैंने 1.5 टीस्पून जितना लिया है। अब मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, 2 चम्मच जितना नमक ऐड किया है। इसके बाद टेस्ट करने के बाद आप अगर ज्यादा डालना हो तो डाल के ऐड कर सकते हो। और 3/4 टीस्पून जितना मैंने ये हल्दी लिया है। तो अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 से 2 कप पानी डाल के इसमें मैं ये सारा जो मिक्सचर है तो ये इंग्रेडिएंट सारे मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा और पानी डाल सकते हो, मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर रहना चाहिए, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम। ये देखिए अभी भी सख्त है तो थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा मुझे। तो ये देखिए थोड़ा सा और पानी डालना पड़ेगा, तो मिनिमम 3/4 ग्लास जितना पानी यूज हुआ है ये बैटर को रेडी करने में। तो इस तरह से बैटर रेडी करके हम इसको 10 से 15 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स करके रेडी कर दिया है। तो अब इसको हम ढक के साइड पर कर देंगे। तो अब हम ये मिक्सर जार ले लेंगे और ये कॉर्न्स को दरदरा पीस लेंगे और थोड़ा सा 1 से 2 घूंट जितना पानी डालेंगे, मतलब 1/4 ग्लास जितना मैंने पानी लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। और इसको दरदरा पीसना है, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये कॉर्न्स पीस के रेडी हो गए हैं, इसको दरदरा पीसना है। ये देखिए तो ये पीस के रेडी हो गए हैं। तो हमारा बैटर जो है वो अभी रेस्ट के लिए रखा हुआ है। तो अब मैं कुकर में कैसे सेट करना है स्टीम के लिए वो आपको दिखा दूं। तो ये देखिए मैंने एक कुकर ले लिया है जिसके अंदर मैंने इतना पानी ले लिया है। आपकी उंगली के फर्स्ट जो लेवल होता है उतना पानी लेके आप इस तरह से जालीदार बर्तन लेके कुकर को ढकने के बाद स्टीम करने के लिए रख देना है। और दूसरी तरफ वो जो बैटर है वो भी रेस्ट करके रेडी हो जाएगा। तो ये कुकर को मैं इस तरह से एक थाली से ढक दूंगी। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इस तरह से कुकर में भी सेट करके आप ढोकला बना सकते हो। अब ये देखिए मैंने ये 2 प्लेट ले लिए हैं जिसके अंदर मैं तेल डालूंगी और दोनों प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लूंगी। तो इस तरह से ग्रीस करके रेडी कर देना है।
अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी की रेसिपीज भी जो है आप देख लेना कैसी लगती है, बना के जरूर देखना। ये देखिए ये प्लेट भी इस तरह से रेडी कर दी है मैंने ग्रीस करके, तो सिर्फ अब बैटर रेडी करने की जरूरत है। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो अब ये कॉर्न्स का जो मिक्सचर था वो हम डाल देंगे इसमें। ये पीसे हुए दर्दे पीसे हुए कॉर्न हम इसमें डाल देते हैं। तो अब हम इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब मैं ये जो बड़ा बाउल है उसमें से थोड़ा सा बैटर एक छोटे से बाउल में ले लूंगी ताकि मेरी दो प्लेट रेडी हो जाए। तो अब हम इसमें दो बड़े चम्मच जितना तेल डालेंगे। तो अब हम इनो डालेंगे, आधा चम्मच इनो डालना है हमें, तो इसको कट करके मैं आधा चम्मच इनो एक चम्मच में ले लेती हूँ। तो ये इनो डाल के हम ये अब सारा जो है तेल और इनो मिक्स कर लेंगे। ये इस तरह से थोड़ा सा बैटर जो हमने लिया है वो इसलिए लेना है ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम इनो डाल के प्लेट में रेडी करेंगे ताकि इसका इनो का एक्टिवेशन अच्छा रहे और एकदम फ्लफी से ये ढोकला रेडी होंगे। तो अब हम इसमें जो कॉर्न्स के दाने थे वो हम इस तरह से स्प्रिंकल करके मिक्स कर देंगे। आप बॉइल्ड कॉर्न्स भी ले सकते हो और अगर बॉइल नहीं किया है तो भी चलेगा, लेकिन बॉइल्ड जो है वो कॉर्न्स लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो ऊपर से डालते हैं उसके लिए बॉइल लेना है, अदरवाइज जो हमने ग्राइंड किया है उसके लिए तो कच्चा कॉर्न्स का जो है वो ही चल जाएगा, उसको बॉइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, तो हम इसको प्लेट में डाल के रेडी कर देंगे। प्लेट तो हमने पहले से ही ग्रीस करके रखी हुई थी, तो अब हम इसमें दो दो चम्मच जितना बैटर डाल के इसको टैप करते हुए हम रेडी कर देंगे। तो ये देखिए ये मैंने बैटर डाल के प्लेट को रेडी कर दिया है। तो ये दोनों प्लेट के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और शो अच्छा आए। कुकर में स्टीम होके रेडी हो गए हैं, तो इसमें मैं ये प्लेट डाल देती हूँ स्टीम करने के लिए और ये वापिस रख दूंगी 12 मिनट के लिए, इसको स्टीम होने देना है। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से हो गए हैं, इसको मैंने कुकर में से निकाल के चेक करके निकाला हुआ था, आपको नाइफ डाल के चेक कर लेना होगा और थोड़ी 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा कूल हो जाए उसके बाद हमें ये इसको कटिंग करना होगा। तो ये 4 ले लेंगे और उसमें से ये एक छोटा टुकड़ा अदरक का लेके इसको बारीक काट के हम ये 4 में डाल देंगे और एक हरी मिर्च ली है मैंने, इसको भी बारीक काट के ये 4 में पहले डाल देती हूँ। ये चटनी बनाने का प्रोसेस है जो मैं अभी कर रही हूँ और ये जो है इसमें ये ढोकला के पीसेस जो है 2-3 पीसेस हमें डाल के ये इसमें हरा धनिया डालना होगा। एक बाउल के जितना हरा धनिया डाल रही हूँ मैं और इसके बाद कड़ी पत्ता 6-7 कड़ी पत्ता लेके इसको मैं इस तरह से काट के हाथों से ही काट के डाल दूंगी। स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ मैं और चीनी जो है वो मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब मैं इसमें 1/4 ग्लास पानी डालूंगी और ये सारी चीजों को क्रश करके इसकी चटनी रेडी कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें ये चटनी अच्छी तरह से
रेडी हो गई है। तो इसमें मैं ये लेमन का जूस डाल के इस तरह से मिक्स कर लूंगी और इसको मैं लेमन जूस को चटनी में अच्छी तरह से मिला के ये चटनी रेडी कर देती हूँ। तो ये देखिए ये चटनी रेडी हो गई है। तो ये देखिए ये दूसरा प्लेट भी रेडी हो गए हैं और थोड़ा सा मैंने कूल भी होने दिया है। तो इस तरह से हम इसके पीसीस बना के रेडी कर देंगे और सर्व करने के लिए तैयार है। और धीरे से इसको उठाते हुए इस तरह से हमें ये ले लेना होगा। ये देखिए ये अच्छी तरह से रेडी हो गया है। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही यम्मी ढोकला रेडी है। ये चटनी के साथ और सॉस के साथ सर्व किया जाता है। तो इसी प्रकार आप भी ट्राई करिएगा और कैसी लगती है रेसिपी वो कमेंट जरूर करना। मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।